बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू क्लास थ्री। टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट थ्री, क्लाइमेट। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आप लोग ऊपर सी डब्ल्यू लिखेंगे, यूनिट नेम लिखेंगे, आप लोग ये मार्जिन लाइन्स ड्रॉ बनाएंगे, करेक्शन कॉलम लिखेंगे राइट साइड पे, यूनिट नेम लिखेंगे और यूनिट नंबर लिखेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर थ्री है और क्लाइमेट है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, मेक योर ओन ग्लोसरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर एयर रिकॉर्डिंग द वेदर एंड अगेंस्ट देयर मीनिंग्स। यानी हम उन चीज़ों के उनके नाम लिखेंगे जिनके ज़रिए से हम लोग वेदर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर वन पे है यूज टू मेजर विंड स्पीड, ठीक है। इसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है? एनीमोमीटर, ठीक है। ऐसे ये ब्लैंक है, इसमें हम लोग एनीमोमीटर यूज़ करेंगे, लिखेंगे। और नेक्स्ट है यूज़ टू मेजर एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा चीज़ यूज़ होती है? उसमें बैरोमीटर है, ठीक है। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए से हम एयर प्रेशर को या उसको विंड वगैरह को मेजर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर थ्री पे, यूज़ टू मेजर रेनफॉल। रेनफॉल को, बारिश की जो है उसको मेजर करना, तो उसके लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है? रेन गेज होती है, ठीक है। रेन गेज यूज़ टू मेजर रेनफॉल। नंबर फोर है यूज़ टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करना है तो किस चीज़ के साथ? वो थर्मामीटर के साथ होगा, ओके। नेक्स्ट नंबर फाइव पे है डैश यूज़ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब विंड की जो डायरेक्शन है वो मालूम करने के लिए जो यूज चीज़ होती है वो क्या है? वेदर वेन है, ठीक है। डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर वेदर वेन, वी ए एन ई वेदर वेन, ठीक है। इसके ज़रिए से जो विंड की डायरेक्शन है उसको मालूम किया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। क्लाइमेट है, अब इसका हमने मीनिंग लिखना है कि इसका मीनिंग क्या है, इंग्लिश में ये बताना है, ठीक है। इसको क्लाइमेट कहते हैं, एवरेज वेदर कंडीशन। उसके बाद है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का मीनिंग आप लिखना है यहाँ पे। इसका है मेजर्स इन डिग्रीज ऑफ हीट एंड कोल्ड, यानी सर्दी और गर्मी की जो उसको है डिग्री के हिसाब से उसको जो मेजर किया जाता है वो टेम्परेचर यूज़ होता है, ठीक है। मेजर टेम्परेचर टेम्परेचर मेजर्स इन डिग्रीज ऑफ हीट एंड कोल्ड, ठीक है, कि इतने डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब गर्मी की रिकॉर्ड करना हो या सर्दी रिकॉर्ड करनी हो तो उसको डिग्रीज में मेजर किया जाता है उसके लिए। और नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग का क्या मीनिंग है? अ ब्राइट फ्लैश टिपिकली आल्सो थंडर, कि लाइटनिंग जो बिजली की जो चमक होती है उसका मीनिंग है अ ब्राइट फ्लैश टिपिकली आल्सो थंडर, यानी कि उसमें जो चमक सी होती है बिजली की और बादल वगैरह गरजते हैं उसको लाइटनिंग कहा जाता है। इसके बाद है नंबर फोर पे रेनफॉल, इसका है द क्वांटिटी ऑफ रेन, ठीक। और उसके बाद है नंबर फाइव पे क्लाइमेट, इसका मीनिंग है डिवीजन ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। दीज आर द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे नीचली काम करना भी है और इनको सही से याद भी करना है और कॉपीज़ अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज़ क्लाइमेट। आंसर, क्लाइमेट इज़ द वर्ड वी यूज़ फॉर द यूजुअल वेदर अ प्लेस हैज़ ड्यूरिंग अ ईयर। क्लाइमेट उस यानी कि एक वर्ड है जो कि एक आम तौर पर जो वेदर के लिए यूज़ होता है, यानी ड्यूरिंग अ ईयर, यानी पूरे साल में जो एक जगह का मौसम होता है उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, क्लाइमेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन ही का ये बी वर्ड है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर। ये वेदर से, क्लाइमेट जो है वेदर से किस तरह से डिफरेंट है? इसका आंसर है द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे डे, यानी दिन ब दिन जो है, यानी कि हर रोज़ की जो मौसम की तब्दीली होती है उसको वेदर कहा जाता है। वाइल क्लाइमेट इज़ वेदर इज़ द वेदर ऑफ द प्लेस एवरेज थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा साल जो मौसम की सूरत हाल रहती है उसको एवरेज वेदर की जो कंडीशन होती है उसको क्लाइमेट कहा जाता है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर टू, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्लाइमेट इन योर एरिया। इसका आंसर है क्लाइमेट इन आवर एरिया इज़ वार्म, कि हमारे एरिया की जो क्लाइमेट है, जो आबोहवा है वो गर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि एक जगह की जो प्लेस है उसको किस तरह से उसकी जो मतलब किसी भी जगह की जो क्लाइमेट है उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे उसकी मतलब पैमाइश की जा सकती है? इसका आंसर है वी कैन फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द चेंजेस इन द वेदर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो लंबे अरसे के लिए जो मौसम की सूरत हाल है उसमें जो चेंजेस आती हैं
उसको मेजर किया जाता है, फिर उसको उसके जो डेली चेंजेस वगैरह हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको जो टेम्परेचर वगैरह होता है उसको सबको, उसमें जो मौसम में डेली चेंजेस आ रही होती हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसी बेस पे फिर उसका जो एक लंबे अरसे के लिए यानी कि वेदर की जो कंडीशन होती है चेंजिंग वगैरह उसमें होती रहती हैं उसको पहले मेजर किया जाता है और फिर उसको अपने पास रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ कॉमन क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो सबसे ठंडा एरिया है, इलाका है, वो कौन सा है, ठीक है, कौन सा पार्ट ठंडा है। इसका आंसर है नॉर्थ इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का जो नॉर्थ है वो सबसे कोल्डेस्ट पार्ट है, ठीक है, सबसे ठंडा एरिया है। नाउ कॉमन क्वेश्चन नंबर 5, टिक द राइट आंसर, कि जो ठीक है उस पर आपने टिक लगाना है। इसमें नंबर 1 है द डैश changes from day to day, दिन के हिसाब से किस में चेंजिंग आती है, सीज़न में या वेदर में, तो वेदर में चेंजिंग आती है, जो डे बाई डे चेंज होता है वो वेदर होता है, इसमें आप लोग वेदर पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, द हॉटेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान की जो हॉटेस्ट प्लेस है यानी गर्म तरीन एरिया जो है वो कौन सा है, सिबी, लाहौर या इस्लामाबाद, तो इसका जो हॉटेस्ट प्लेस है वो पाकिस्तान की वो सिबी है। नेक्स्ट पे है नंबर 3, डैश इज़ यूज टू मेजर रेनफॉल, रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कौन सा है, थर्मामीटर है या रेन गेज है, ठीक है, तो वो है रेन गेज, रेन गेज से रेनफॉल को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद नंबर 4, पीपल हु स्टडी द वेदर एंड क्लाइमेट एंड कीप रिकॉर्ड्स आर कॉल्ड जोलॉजिस्ट या मटीरियोलॉजिस्ट, यानी कि वो लोग जो इसका वेदर और क्लाइमेट की जो के बारे में जो पढ़ते हैं, जो इसका इल्म रखते हैं, उसके बारे में उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करते हैं, उन लोगों को क्या कहा जाता है, जिनके पास वेदर और क्लाइमेट का इल्म होता है उनको क्या कहा जाता है, जूलॉजिस्ट होते हैं या मेटीरियोलॉजिस्ट होते हैं, वो उनको मेटीरियोलॉजिस्ट कहा जाता है, इसको आप लोग टिक करेंगे। नंबर 5 पे है द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ऑफ ईयर इज़ कॉल्ड, जो मतलब मौसम यानी 4 सीजन्स होते हैं, तो सीजन्स में जो कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है उसको क्या कहा जाता है, स्प्रिंग कहा जाता है, समर है या विंटर है, तो विंटर जो है वो हमारा क्या होता है, कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है, ठीक है, जैसे समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर हैं, तो विंटर क्या है, कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर है, इसको टिक करेंगे जी। वी हैव टू कम्प्लीट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 3 क्लाइमेट एंड आई होप यू विल डू ऑन योर कॉपीज विद इन प्रॉपरली एंड नीटली एंड दिस वर्क शुड बी लर्न एंड ऑल्सो बी चेक बाई योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।